नमस्कार दर्शकों, मैं सपना मौर्या और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल चटपटी रसोई। तो चटपटी रसोई में आज हम कुछ नया लेके आए हैं, भंडारे जैसी कद्दू की खट्टी मीठी तीखी चटपटी सब्जी बनाऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए, कद्दू की सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ये मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, धो के रखी हूँ इसको, मैं काटूँगी कद्दू को। और ये मैं हरी धनिया ली हूँ और ये 8 से 10 मिर्च है, ये लहसुन की कलियाँ हैं मैंने छील ली हूँ, 2 टमाटर है। अब टमाटर को मैं मिक्सर जार में इसको मैं पीस लूँगी काट के छोटे टुकड़ों में और इसको मैं काटूँगी। ठीक है, तो हमारा सब कुछ रेडी है। मैंने ये तड़का लगाने के लिए सब कुछ ले ली हूँ। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन करती हूँ। गैस का फ्लेम मैं ऑन कर दी हूँ। ये मैं आयरन की कढ़ाई ली हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी राइस ब्रॉन ऑयल, आप किसी भी ऑयल से बना सकती हैं, मैं राइस ब्रॉन से बना रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच ऑयल, और मैं तड़का लगाने के लिए मैं ली हूँ ये हमारा आधी छोटी चम्मच हींग और ये हमारा 1 चम्मच मेथी दाना। इसमें मेथी दाना बहुत इम्पोर्टेंट है, मेथी दाना डालना ना भूलें, इसी से टेस्ट बढ़िया आएगा। ये छोटा आधी चम्मच जीरा है, ये लहसुन और मिर्च का कूट ली हूँ मैं, और ये थोड़ा सा मैं गुड़ ली हूँ, मैं चीनी नहीं डालूँगी यहाँ पे, मैं गुड़ का प्रयोग करूँगी। और ये हमारा आमचूर पाउडर है, ये हरी कटी हुई धनिया, ये हमारा मसाला सब एक ही में पीस गया है, तो मैं बता दे रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर भी है, साबुत धनिया भी है, गरम मसाला सब एक ही में पीस गया है, तो दोनों को मिला के, तीनों को सब मिला के 1.5 चम्मच है ये मेरा मसाला। और ये 2 टमाटो बड़ा साइज़ का मैं पीस ली हूँ, ये इसी छोटा छोटा साइज़ में कद्दू में काट ली हूँ। तो मेरी कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं डालूँगी मेथी दाना। मेथी दाना मेरा हो रहा है इसमें, डालूंगी हींग, ये हमारा जीरा है इसको भी मैं डाल दूंगी इसी समय, जीरा भी अच्छे से चटकने लगा है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा भून जाए इसमें, अब ये डालूंगी लहसुन और मिर्च का, इसीलिए चलाते हुए मैं इसको भून लूंगी। ये सब भून के रेडी हो गया है, ब्राउन हो गया है लहसुन अदरक। अब इसमें मैं टमाटर डालूंगी, टमाटर डाल के इसको मैं अच्छे से चला लूंगी। टमाटर मेरे अच्छे से भून गया है, अब इसे मैं डालूंगी जो गुड़ ली थी इसमें ये, और ये जो मेरा सब गरम मसाला हल्दी सब एक ही में है, ये सारा मैं यहीं पे डाल दूंगी। और यहीं पे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी, आप अपने हिसाब से नमक डालिए, मैं 1/2 चम्मच यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, 1/2। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी, मिक्स करके मसाला को पका लेना है अच्छे से, तो हमारा गुड़ भी इसमें गल जाए, ये कितना कलर अच्छा दिख रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे हलवाई लोग क्या करते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे डालते हैं कि सब्जी में कलर बढ़िया आ जाए, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च जो होता है ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है स्वास्थ्य के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे मैं नहीं डालूँगी, मैं ऐसे ही इसको मैं पका लूँगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैं पानी डालूँगी ताकि मेरा मसाला जले ना, पानी डाल के मैं यहाँ पे चला दूँगी और इसको मैं ढक के, मसाला जब तक कढ़ाई में तेल ना छोड़ दे तब तक मैं इसको
तीन मिनट में पकाऊंगी ऐसे। 5 मिनट्स मेरे मसाला को पकाते हुए हो गया है और मैं चेक करती हूँ कि मेरा मसाला तैयार है कि नहीं। देखिए कितना अच्छे से आयल सब ऊपर आ गया है, इसका मतलब कि मेरा मसाला पक के रेडी है। मैं 5 मिनट पकाई हूँ, इसको बीच बीच में एक दो दो मिनट पे चलाते भी रहना है, नहीं तो मेरा मसाला एक कढ़ाई में नीचे से लग जाएगा। और खूब अच्छा सब तैयार है मेरा मसाला। अब यहाँ पे मैं कद्दू डालूँगी। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरह आप अपने घर में सब्जी बनाइए, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट लगेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करिए, सभी लोग बहुत चाव से इसको पसंद करते हैं, खाते हैं, एकदम हलवाई जैसे बनाते हैं अपने ढाबे से, एकदम उसी तरह एकदम मस्त वाली सब्जी बनेगी। आप इसको ज़रूर एक बार घर में ट्राई करिए, सभी लोग बहुत पसंद से खाते हैं, मस्त लगता है, खट्टा भी लगेगा, मीठा भी लगेगा, तीखा भी लगेगा, कई इसमें तरह का टेस्ट आता है, बहुत स्वादिष्ट होती है सब्जी। आप बना के घर में ट्राई करिए। अब इसको मैं ढक के थोड़ा समय पकाऊंगी। अब मेरा 2 मिनट हो गया है कद्दू को डालें। अब इसको मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ चला के कैसा है। देखिए खूब सारा पानी भी छोड़ दिया है और मैं थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी डालूंगी, क्योंकि मेरी कद्दू थोड़ा सा है तो अच्छे से हो नहीं पाएगा, और ज़्यादा कद्दू का सब्ज़ी बनाए तो उसमें पानी नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, वो अपने ही पानी थोड़े हुए से बन जाता है। लेकिन मेरा बहुत थोड़ा सा सब्जी है इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं 1 मिनट और पकाऊंगी, क्योंकि कद्दू मसाले में अच्छे से पक जाए तब मैं पानी डालूंगी। 2 मिनट के लिए मैं और पकाऊंगी यहाँ पे। दो मिनट हो गया और मेरे को पकाते हुए। अब यहाँ पे मैं देखती हूँ सब्जी कैसा हुआ मेरा। देखिए कलर कितना प्यारा दिख रहा है सब्जी का। मेरे मसाले में कद्दू एकदम अच्छे से भून गया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 1/2 गिलास में हूँ, लेकिन पूरा मैं नहीं डालूँगी। बस इतना रहे मेरा कद्दू, बस पानी में डूब जाए और अच्छे से गल जाए उतना ही मैं डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी बस। अब इसको मैं ढक के पकाऊंगी जब तक कद्दू गल ना जाए। 5 मिनट हो गया मेरे को सब्जी को पकाते हुए। अब इसको मैं चला ले रही हूँ, देख ले रहे हैं मेरी सब्जी पकी है या नहीं। देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है, मैं कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाली हूँ फिर भी। अब सब्जी मेरी हो गई है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और मैं पकाऊंगी। यहाँ पे मैं डालूंगी ये जो आमचूर पाउडर, मैं छोटा स्पून से 1/2 स्पून ली हूँ, इसको मैं यहीं पे ऐड कर दूंगी। और यहीं पे मैं थोड़ा धनिया डाल दूंगी, फ्रेश कटी हुई है। और इसको मैं अच्छे से चला दूंगी। चला के इसको फिर मैं ढक के, अब ये हमारा इसमें पानी ज़्यादा है सब्जी में मसाला, तो इसको मैं अभी 2 से 3 मिनट अभी और मैं पकाऊंगी। एक थोड़ा सा मेरा कद्दू भी कच्चा है, 2 मिनट पकाऊंगी तो ये पक जाएगा अच्छे से, फिर मैं इसको ढक दूँगा। मेरे सब्जी को 2 से 3 मिनट पकाते हुए हो गया है, मैं देख लेती हूँ कैसा हुआ। देखिए मेरी सब्जी अब बन के कितनी अच्छी वाली तैयार है, मस्त वाली, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब यहाँ मैं गैस का फ्लेम ऑफ करूँगी और इसमें मैं गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए मेरी कद्दू की सब्जी बनके तैयार है, कितनी अच्छी दिख रही है देखने में भी और खाने में भी बहुत मस्त स्वादिष्ट।
टेस्टी है। आप भी अपने घर पे सही बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कद्दू की सब्ज़ी कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।